कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के तुरंत बाद ही यूपी के सोनभद्र में भी कामोवेश ऐसा ही मामला सामने आया है। इस घटना में एक दबंग लाइनमैन ने एक युवक को न सिर्फ गिरा गिरा कर पीटा बल्कि अपनी चप्पल पर थूक कर युवक से चटवाने के बाद उसे माफी दी। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि मेहमान नवाजी में आया यह युवक बिजली जाने पर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था और यह देख लाइनमैन आग बबूला हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद संविदा लाइनमैन निवासी ओड़थला निवासी तेजवीर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। जिस युवक के साथ मारपीट और यह घटना की गई उसका नाम राजेंद्र, ग्राम बहुआर थाना रॉबर्टगंज है। अनुसूचित जाति का राजेंद्र 6 जुलाई को अपने मामा नंदू के घर आया हुआ था। इस बारे में पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। 8 जुलाई 2023 को दो वायरल वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, जिन वीडियोज में एक व्यक्ति जिसका नाम तेजबली है, ग्राम हड़था थाना क्षेत्र सागंज का रहने वाला है और यह विद्युत विभाग में संविदा पर लाइनमैन का काम करता है। वीडियोज में यह व्यक्ति राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को, जो कि बहुआर थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र का रहने वाला है, वह अपने मामा के घर बालडी में आया हुआ था दिनांक 6 तारीख को, जिसमें उसके मामा के घर में कुछ बिजली की खराबी हो गई थी जिसको वो चेक कर रहा था। तब तक ये लाइनमैन जो है तेजबली उसको गया मारने पीटने लगा। मारने पीटने के अलावा वीडियोज़ में यह भी है कि वह उसको कान पकड़ के उठाया बैठाया और अपने जूते चटवाए उससे। मामला जैसे संज्ञान में आया पुलिस के, सागंज थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकादमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकादमी, रेलवे रोड, मेरठ।